और दीज फोर पोलिपेप्टाइड आर सिमिलर होमोटेट्रामर्स। ईच सब यूनिट ऑफ द लैक रिप्रेसर इज मेड अप ऑफ थ्री सिक्सटी अमाइनो एंड कैन बाइंड वन मोलिक्यूल ऑफ आईपीटीजी तो ये जो रिप्रेसर है इसके चार यूनिट्स हैं टेट्रामर है और हर एक यूनिट जो है वो थ्री सिक्सटी अमाइनो का है और ये हर एक यूनिट जो है वो एक आईपीटीजी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है क्रूड सेल एक्सट्रैक्ट्स बाइंड अबाउट ट्वेंटी टू फोर्टी मॉलिक्यूल्स ऑफ IPTG पर सेल सो देर आर रफली फाइव टू टेन रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स पर सेल ठीक है क्योंकि एक सब यूनिट एक आईपीटीजी को बाइंड करेगा तो एक रिप्रेसर में चार सब यूनिट है तो इसका मतलब है एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल चार आईपीडीजी को बाइंड करेगा तो रफली जो है पांच से दस अगर रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स एक सेल में प्रेजेंट हैं तो वो ट्वेंटी टू फोर्टी आईपीडीजी मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकते हैं द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू द ऑपरेटर सीक्वेंस एंड द इनहिबिशन ऑफ दिस बाइंडिंग बाय एन इंड्यूसर हैव है

ये जो नाइट्रोसेलुलर फिल्टर्स हैं प्रोटीन इनके साथ स्टिक कर जाती है जबकि डीएनए जो है वो पास कर जाता है इनमें से इफ अ मिक्सचर ऑफ रिप्रेसर एंड रेडियो एक्टिव लैक डीएनए इज पास्ड थ्रू सच अ फिल्टर रेडियो एक्टिविटी विल बी रिटेन्ड ऑन द फिल्टर इफ द प्रोटीन एंड द लैक डीएनए फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स तो जाहिर है अगर ये रिप्रेसर और ऑपरेटर ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है तो डीएनए तो पास कर जाएगा प्रोटीन ऊपर रह जाएगी तो जिससे हमें जो है वो पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ दी रिजल्ट इंडिकेट दैट दी लैक रिप्रेसर बाइंड टू डी एन ए विद अ नॉर्मल लैक ऑपरेटर बट फेल्स टू बाइंड डी एन ए विद अ लैक ओ सी म्यूटेंट ऑपरेटर तो जो लैक ओ सी म्यूटेंट ऑपरेटर है उसके साथ तो ये रिप्रेसर बाइंड नहीं करता लेकिन जो नॉर्मल लैक ऑपरेटर है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है